बहुत स्वागत है दोस्तों आज की शानदार वीडियो में। आज बात करने वाले हैं चंदन के पेड़ों के ऊपर जहरीले सांप आखिर क्यों रहते हैं, क्या ऐसी वजह है कि बहुत ज़्यादा आपने ये ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि चंदन के पेड़ों के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलती हैं दोस्तों जहां पर आप अगर चंदन के जंगलों में जाएंगे, जहां पर चंदन का बहुत सघन जंगल होता है, वहां पर आपको सांप बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। क्या इसका कारण है और इसको आप कैसे रोक सकते हैं? अगर आपके पास चंदन का पेड़ है या आपने अगर चंदन की खेती की हुई है तो आप अपने चंदन के पेड़ों के आसपास सांपों को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में पूरी वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो ऐसी जो बहुत सारी घटनाएं दोस्तों मिलती हैं, सबसे पहले इसका हमें मुख्य कारण जानना होगा, आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण सांप चंदन के पेड़ों के ऊपर लिपटे रहते हैं और उनका प्रिय निवास स्थान भी इसको बोला जाता है बहुत सारी जगहों पर। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं दोस्तों हमको देखने में मिलती हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं जो इसका मुख्य रीज़न होता है, सांप का चंदन के पेड़ पर लिपटने का जो मुख्य रीज़न होता है वो होता है चंदन के पेड़ की ठंडक। देखिए, अगर आप चंदन को घिस के अपनी बॉडी पर भी लगाते हैं या अपनी नस के ऊपर रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है, तो इसी कारण से सांप जो है चंदन के पेड़ों से लिपटे रहते हैं। इसका दूसरा कारण जो एक बहुत छोटा, कुछ लोग कहते हैं कि खुशबू के कारण रहता है, लेकिन खुशबू तो चंदन के पेड़ के हार्डवुड में होती है, ना कि चंदन के बाहरी वातावरण में। तो जाहिर सी बात है चंदन के पेड़ों में जो सांप लिपटे रहते हैं उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है ठंडक। तो इसका मुख्य जो रीज़न है ठंडा होने के कारण। अब दोस्तों अगर आपके चंदन का पेड़ 15 से 20 साल का है या 10 साल का है तो उस पर अभी इतनी ज़्यादा मात्रा में ठंडक नहीं है, क्योंकि उसका हार्डवुड अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर सांप को पर्याप्त ठंडक नहीं मिलती है, तो वहाँ पर लगभग ना के बराबर चांसेस होते हैं चंदन के पेड़ पर सांपों के रहने के। देखिए, ये घटना ज़्यादातर आप सुनेंगे बहुत ज़्यादा जो वृद्ध पेड़ हो चुके थे, यानी कि 50 साल 40 साल की एज के जो चंदन के पेड़ होते हैं वहां पर ये घटनाएं बहुतायत में देखने को मिलती हैं। तो अगर आपने चंदन की प्लांटेशन की हुई है, 10 12 15 20 साल तक का चंदन का पेड़, 30 साल तक का आपके पास है, तो आपको किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पर आपको सांपों की घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेंगी। हाँ, अगर आपके चंदन का पेड़ 40 से 50 साल के आसपास का हो चुका है तो वहाँ पर आपको सांप देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों देखो, सांप जो है इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ों पर मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रजनीगंधा और चमेली के जो खुशबूदार पेड़ होते हैं वहाँ पर भी सांपों का बसेरा होता है और वहाँ पर वो खुशबू के कारण उनसे लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के केस में ये बिल्कुल अपोजिट होता है, ठंडक के लिए चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका पेड़ 15 से 20 साल का हो चुका है तो आप उसके बाद उसको सेल आउट कर दीजिए, उसको बेच दीजिए, ताकि उसके बाद उसमें जो सांपों का बसेरा बनना स्टार्ट होगा वो हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सावधानी आपको बरतनी है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। जाते जाते आपको बता दें, सांपों को दूर भगाने के लिए आप सर्पगंधा नामक वनस्पति का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग सर्पदंश के लिए भी किया जाता है। जानकारी अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।